भी समाज कार्य करता हूँ, एडिश करके काम करता हूँ, समझदारी काम करता हूँ। लेकिन बाप जी का कहना था कि एडिश की ऊपर की कुछ मर्यादाएं होती है, तो उससे आप कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे, आप जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए तो बाहर आ जाए। जैसे मैं निवृत्त हुआ वैसे बाप जी ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि अब तो आप कर नहीं सकते, अब आपको आना ही है, इसलिए मैं आपके समक्ष हाजिर हो गया। बाप जी के कार्य से और पैगाम के कार्य से मैं परिचित हूँ, क्योंकि बहुत सालों से मैं ये सब देखते आ रहा हूँ। ये बहुत अच्छा एक आंदोलन है जिसमें ना कोई राजनीति है ना कोई स्वार्थ है। अभी मेरे लगे कुछ वक्ताओं ने भाषण दिया उन्होंने अपनी एकता के बारे में, अगर हम एक हो जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसा कहा। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, ऐसा कहते हैं कि अगर दो फ्रेंच आदमी साथ आ जाए तो अच्छा शहर बना लेते, अच्छा होटल बना लेते, दो ब्रिटिश नागरिक साथ आ जाए तो साम्राज्य बना देते, लेकिन दो भारतीय अगर एक आ जाए साथ आ जाए तो तीन पार्टियां बनती। रामदास जी की एक पार्टी, प्रकाश जी की दूसरी पार्टी और दोनों मिला की तीसरी पार्टी। तो इसलिए अपनी ताकत का एहसास अगर हमें हो जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम इतने बिखरे हुए हैं, इतने है कि हम एक नहीं हो सकते उपाय, क्योंकि हमें विघटित रखने में जिनका स्वास्थ्य स्वार्थ है, जो चाहते हैं कि विघटित रहे आपस में झगड़ रहे हैं, तो ये कभी रोक नहीं देती। और हम लोगों में भी ऐसी विचारधारा है, मैं मेरा वोट बैंक बना लू, मेरी कम्युनिटी, मेरा रीजन, मेरी लैंग्वेज, इसका मैं वोट बैंक बना लू और कुछ ना कुछ कुर्सी हासिल करूं और इसलिए हमारी सारी शक्तियां बिखर जाती हैं। अगर हम अपनी ताकत पहचानना चाहते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों को ध्यान देना चाहिए। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी है विद्या का अभाव। कश्मीरी सिंह जी ने कहेंगे, मैं जब आया यहाँ उनका भाषण सुन रहा था, नाम शायद उन्होंने कहा एजुकेशन शिक्षा की बहुत जरूरी है। सदियों से जो दमन चलते आ रहा है और जो हम सह के आ रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि हमें एजुकेशन से वंचित किया गया, अच्छा एजुकेशन देने आज हमारे आज हम क्या करें, हमारे लोग अच्छे अच्छे ओहदे में है, सरकारी अफसर स्कूलों को रिकॉग्निशन वही देते हैं, हमको भी देते हैं, लेकिन गलत लोगों को अपने में से ही गलत लोगों को स्कूल निकाल देते हैं, उनको ग्रैंड सैंक्शन करते हैं, वहां के टीचर होते हैं स्टूडेंट्स, और ऐसे स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ते हैं जहाँ अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, जहाँ शिक्षक नहीं होते और अगर होते तो उनको पढ़ाना नहीं। क्या हम सब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? अगर हमें कुछ करना है, आप इतने सारे लोग भारत भर से यहाँ इकट्ठा हो गए, एक बात तो कीजिए, एक अच्छा बच्चा हम सुनेंगे जो आगे बढ़ सकता है, उसको अच्छी पढ़ाई देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। संख्या के बारे में अभी जो वक्ता बोले उन्होंने कहा कि हम 85% हैं और 15% हमने राज कर रहे हैं, ये तो खैर राजनीति का मामला है, लेकिन अपने भारत की संपत्ति जो है वो सिर्फ 3% लोगों के हाथ में है और 97% को के पास कुछ नहीं।
इसकी वजह थी अच्छी शिक्षा। जिसके पास पैसा है, संपत्ति है, रोजगार के साधनों में कंट्रोल है, वो राज करता है, प्रधानमंत्री हो या न हो, वो किस कुर्सी पे बैठे हुए बैठे, लेकिन अपने पे राज करता है, वो जुलूम करता है, वो आते हैं जिसके पास उपजीविका के साधनों में कंट्रोल। ये अगर हमें करना है, ये अगर हम हासिल करना है, तो हमें कहीं अच्छी शिक्षा का प्रबंध करना होगा, अपने बच्चे अच्छे स्कूलों में जाए, अपने लिए अच्छे शिक्षक है, लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते क्योंकि उनके पास अच्छे संस्था नहीं। हम उन्हें ढूंढे, उनपे कुछ खर्चा करें और अच्छी संस्था बनाए, कम से कम एक साल में 200 बच्चे अगर अच्छे पढ़ते हैं हर साल, तो 200 IAS ऑफिसर बनेंगे, जजेस बनेंगे, और बहुत सारा कुछ कर पाएंगे। हाल ही दीपा पूरे गांव के बारे में किसी ने तुम्हें अभी कुछ कहा, मैं समझता हूं कि दीपा पूरे गांव में जो हुआ वो होना ही था, वो हुआ इसके कुछ न कुछ इस विषय में विचार होगा। विचार हमें ये करना है कि क्या पेशवाओं की सत्ता खत्म होना, अंग्रेजों ने पेशवाओं को हराना, ये गुलामगिरी की शुरुआत थी, या अपने में जो गुलामी चल रही उसका खत्म होना, ये गुलामी का अंत था। गुलामी का मतलब सिर्फ विदेशी ताकत अपने से निकल जाए, गुलामी का मतलब ऐसा नहीं, गुलामी तो अपने में अभी भी चल रही है, अब तो गुलामी है, किसी ने किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी ने किसी के स्वार्थ के लिए हमारी मजदूरी, हमारी रोजी रोटी लगा रहे हैं। अब्राहम लिंकन ने जो लड़ाई की थी अमेरिका में, वो किसी विदेशी ताकत के खिलाफ नहीं थी, अपने ही लोगों के लोगों के खिलाफ, और यह लड़ाई हमें जारी रखना है। हम अगर ऐसा समझते हैं किसी एक आंदोलन से, जैसे भारत छोड़ो से अंग्रेज निकल गए, वैसे तो जाति तोड़ो से जाति निकल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये जुलूम सदियों से चल के आ रहा है और चलते रहेगा, इसके साथ लड़ाई के लिए तो सदियों तक चलते चलानी पड़ेगी। इसे भी ले जाए, अरे नहीं, देखो ये चंद्रशेखर का काम है, और इसलिए आवश्यक है हमारे बच्चों के ध्यान दें, सिर्फ ऐसा कहे कि RSS का राज चल रहा है, कुछ नहीं होगा। RSS क्या करती है इसके बारे में हमें सोचना होगा, वो बच्चों पे काम करते हैं, उनके दिमाग पे काम करते हैं, तब कभी वो कार्यकर्ता होते हैं, इंडोक्ट्रिनेटेड हो जाते हैं। हमें भी अपने बच्चों को बताना होगा, उनको जो अभी छोटी छोटी सौगलियों से वजह से जो थोड़ा सुकून मिल गया है, ऐसा लगता है कि हमें रोजगार मिल जाता है, किसी की मिल जाता है, स्कूलों में प्रवेश मिल जाता है, इससे जो इनर्जी आया है, इससे जो कमजोरी आई है, लड़ने की चीज निकल गई, लड़ने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि मालूम हो गया इन टुकड़ों में हमें समाधान नहीं माना, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे अपने गड्ढे की चीज कम हो जाती है। मेरा तो सरकार की जो योजनाएं है समाज के हित के लिए कही जाती है, जैसे महात्मा गांधी मनरेगा या फूड सिक्योरिटी, ये सब योजनाएं हमें पंगु बनाने के लिए, हमारी लड़ने की ताकत खत्म करने की। रोजगार मिलता है लेकिन रोजगार हासिल करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, रोजगार हासिल करने के लिए जो लड़ाई करनी पड़ती है, जो जिद होनी चाहिए, वो जिद हमारे देश में कम हो रही है। आगे क्या आगे क्या हमने लड़ने की जिद नहीं रहेगी, हम कैसे करेंगे?
या बैंकों में, क्या हमें आर्थिक शक्ति नहीं बनानी चाहिए? क्या नहीं बना सकते आर्थिक शक्ति? अपने लोगों को अच्छी इंडस्ट्री बनाने में मदद नहीं कर सकते क्या? अपने लोगों से खरीद नहीं सकते क्या? अपने लोगों को ऑर्डर नहीं दे सकते? अगर ये किया तो थोड़ी थोड़ी आर्थिक शक्ति बढ़ेगी। आज क्या परिस्थिति, हम 85% है ऐसा ही हमारे एक वक्ता ने कहा, 85% एक बड़ा मार्केट है। आज विदेशी ताकत भारत में निवेश कर रही है, इसके लिए भी उनको भारत का होना चाहिए, उनको अपने पैसों से खर्चा तो निवेश कर रहे हैं, अपने से उनको पैसा लेना है। तो 85% तो हमारे मार्केट, हमारा मार्केट हमारे लोगों से सर्व हो जाए, ताकत बन सकते। लेकिन जब तक हम सिर्फ राजनीतिक ताकत की तरफ देखते रहे, चुनाव की ना राजनीति में देखते रहे, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाहर और सारा विषय जो चुनाव को कंट्रोल करता है, ऐसा बहुत बड़ा विषय आर्थिक ताकत है, इलेक्शन शिक्षा की ताकत है। तो मुझे खुशी है कि पहला राजनीति में नहीं, और इस माध्यम से हम जो ग्राउंड लेवल में रिवोल्यूशन